हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल पार्क से संबंधित। राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक नंबर का आता है राष्ट्रीय उद्यान। कुछ हम फेमस नेशनल पार्क के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा कि 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था जो 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था, वो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट आता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान, राजस्थान में है रणथंभौर नेशनल पार्क। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। बहुत बार ये पूछा गया, असम के अंदर है कांजीरंगा नेशनल पार्क और असम की राजधानी है दिसपुर है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट की बात करें, लुप्तप्राय एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं लुप्तप्राय एशियाई शेर। और गिर नेशनल पार्क कहां पर है यह भी आपको ध्यान रखना है, तो ये गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिम कार्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और ये उत्तराखंड के अंदर है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसे पहले जाना जाता था हेली नेशनल पार्क के नाम से। कहां पर है ये, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में पहला बाघ अभयारण्य था, टाइगर रिजर्व था, वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला बाघ अभयारण्य था। कहां पर है ये, उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1955 में एक वन्य जीव आरक्षित घोषित यह बाघ अभयारण्य 21वीं सदी में अपने बाघों के अचानक लापता होने के लिए बदनाम है। वह कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर अचानक ही टाइगर्स वगैरह क्या होने लगे, विलुप्त होने लगे, खत्म होने लगे, लापता होने लगे, वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरिस्का नेशनल पार्क। और ये सरिस्का नेशनल पार्क कहां पर है, ये राजस्थान के अंदर है सरिस्का नेशनल पार्क। रणथंभौर कहां पर है, राजस्थान के अंदर है, जिसकी राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय उद्यान जो बिग फाइव के घर के रूप में प्रसिद्ध है, बिग फाइव के घर के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सतपुड़ा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और सांची का स्तूप भी कहां पर है, तो वो ध्यान रखना है भोपाल में है। साइबेरियाई आइबेक्स के लिए जाना जाने वाला पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लद्दाख में स्थित अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। लद्दाख हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, हेमिस नेशनल पार्क। कहां पर है ये, लद्दाख में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये सारे कहां पर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान व निकोबार में स्थित है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस 2019 के अनुसार
भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है, इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं उनकी संख्या है, ऑप्शन नंबर सी 104 है 2019 के डेटाबेस के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य में स्थित है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, जहां पर 2023 के क्या खेले जाएंगे, हॉकी वर्ल्ड कप खेले जाएंगे, और 2018 के हॉकी वर्ल्ड कप भी कहां खेले गए थे, ओडिशा में खेले गए थे। नेक्स्ट आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो ये प्यारे बच्चों कहां पर है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता है सुंदरवन नेशनल पार्क। और सुंदरवन डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है। कहां पर है ये, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कैलकटा। नेक्स्ट बात करें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है और ये कहां पर है, लद्दाख में है। अभी आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साउथ बेटन नेशनल पार्क है, जो भारत में सबसे छोटा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आता है भारत की बाघों की आबादी का 19% हिस्सा होने के कारण किस राज्य को भारत का टाइगर राज्य कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की 19% जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की अंदर है, टाइगर्स की 19% आबादी यहां पर देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 2014 में विश्व धरोहर स्थलों की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह भी पता होना चाहिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है, और कौन देता है इनको दर्जा, यूनेस्को देता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को जोड़ा कब गया था, 2014 में जोड़ा गया था। ये कहां पर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमालयन है, तो हिमालय हिमाचल प्रदेश के अंदर है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करें अपनी अद्भुत ब्लैक बक आबादी के लिए सबसे प्रसिद्ध ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के गुजरात राज्य में क्या है, स्थित है, और गुजरात की राजधानी है प्यारे बच्चों गांधीनगर है। नेक्स्ट आता है 2016 में खंगचेदू जोग नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, यह राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिक्किम में स्थित है। तो पहली चीज देखते हैं खंगचेदू जोग नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया, 2016 में दिया गया, और ये खंगचेदू जोग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों, सिक्किम राज्य में स्थित है और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक है। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह है प्यारे बच्चों सिक्किम है। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं मैं आपको, आपको मुझे बताना है कि अब तक भारत की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दर्जा मिल चुका है, भारत की कितनी वैश्विक धरोहर स्थल हैं जिन्हें दर्जा मिला हुआ है यूनेस्को के द्वारा, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, इन नेशनल पार्क्स को बहुत बार पूछा गया है, इनको आप बार बार रिविजन कीजिए, इनको लिखकर याद कीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।